और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात के थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की एज, पे ग्रोथ कर रही है और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिल्कस चाइना पर है यूएस टू पॉइंट वन परसेंट पे है पाकिस्तान टू परसेंट पे है नोथ लेकिन ये आज इसमें मुझे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही दुख वाली बात है लेकिन यहाँ पे मैं जो यूपी जाने का जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ

बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मैं इस्लामाबाद में घूम रहा हूँ सिर्फ सेक्टर भी वैसे ही लिखे हैं आपके साथ एफ सेक्टर है जी सेक्टर है ई e सेक्टर है इस तरह है यहाँ पे सिर्फ सेक्टर के साथ जो है वो अल्फाबेट्स नहीं है आ, ए, बहुत खूबसूरत शहर बिल्कुल इस्लामाबाद की तरह लग रहा था पचास इसके गांव जब इस ईस्ट पंजाब के थे जब बिल्कुल लेकिन उसमें पंजाब इकट्ठा हरियाणा और पंजाब इकट्ठे होते थे उनके ऊपर ये बनाया गया उन्नीस के अंदर इसकी बुनियाद रखी गई है जो ली और सेंटर है वो सबसे बड़ी पुरानी बिल्डिंग है, फ्रेंच है वो फ्रेंच भी आर्किटेक्ट थे इसके और इसका चंडीगढ़ का अपना एक, एक आप कह रहे निशान है स्लोगन है वो उनका ओपन हाथ है बना हुआ है उनका वो उसको जो इसकी खूबसूरती है जो इसमें ज्यादा लोग जो पैदा हुए मेरे लिए भी जब मैं यहाँ के दोस्तों से पूछ मिल्का सिंह यहाँ पैदा हुए थे कपिल देव यहाँ यहाँ के शहर रहने वाले हैं उसके बाद विनय बैंसल हैं युवराज सिंह हैं और सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग सेक्टर है सेक्टर सेवेंटीन है जो बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ पे वहां पे लोग इकट्ठे होते हैं सेक्टर फाइव और सेक्टर एट जो है वो बहुत वीआईपी सेक्टर है और सेक्टर नाइन भी वीआईपी सेक्टर है जहाँ प्रकाश सिंह बादल जो के चीफ मिनिस्टर थे वो काफी अवसर आए सिखों के बहुत बड़े लीडर है वो वहां पे उनकी रिहायश है खास एक अपने ट्रिप के बारे में बताना चाहूंगा आरजू आपके तो खैर यहाँ पे बहुत ज्यादा चाहने वाले हैं मुझे भी हर जगह जो मैं दो लोगों ने इतना प्यार दिया है मैं बहुत ज्यादा कर्जमंद होकर जा रहा हूँ उनके प्यार का मोहब्बत का यहाँ कनाड प्लेस है मैं वहां गया वहां लोगों ने पहचान लिया सेल्फियां बनाई और उसके बाद कल मेरी नजर से ये गुजरी एक बात के थर्ड क्वार्टर के अंदर भारत की पे ग्रोथ कर रही है और साथ ही आईएमएफ ने जो बताया है कि दूसरे लोग बिलखसूस चाइना फोर पॉइंट सिक्स पर है यूएस टू पॉइंट वन परसेंट पे है पाकिस्तान टू परसेंट पे है जापान पॉइंट पे है फ्रांस एक पे यूके पॉइंट और जर्मनी नेगेटिव पॉइंट पे है ये 2004 के अभी तक जो है थर्ड क्वार्टर का अमेजिंग और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस वक्त वाकई ही भारत जो है दुनिया की की उन्हों प्रोड्यूस कर दिया है और दूसरा आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि जयशंकर साहब और भारत जो है दे वर टिल्टिंग टिल रशिया एट द सेम टाइम तो लेकिन उन्होंने जिस तरह मैंने बताया था यूनक में उन्होंने बड़ा खुल के डॉक्टर जयशंकर साहब ने इसका इजहार किया है कि रशिया को के पास ऑप्शन और चॉइसेस होने चाहिए भारत जो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंट और फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं क्योंकि अकानी के जब तक आपकी अकानमी ठीक ना हो आप इंडिपेंडेंट फॉरन पॉलिसी खाब होती है आ, लेकिन ये ये बहुत बड़ी बात है लेकिन इसके पे लेकिन इसके आज इसमें मुझे पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नजर नहीं आ रही दुख वाली बात है लेकिन यहाँ पे मैं जो यूपी जाने का जो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ वहां पे मैंने मुझे पहले पता चला था चार नए एयरपोर्ट बन रही मुझे कल किसी का चार नहीं छह नए एयरपोर्ट बन चुके बन रहे हैं और जो इस वक्त आपके जो फेसबुक वाले आ रहे हैं वहां पे अंबानी की शादी में वहां पे क्योंकि उस टाउन के अंदर अंबानी उनकी उनकी उनका टाउन भी वही है उनकी है वहां रिफाइनरी उन्होंने एयरपोर्ट बना रखा है का आ वहां पे जुकरबर्ग आ रहे हैं सीईओ गूगल के माइक्रोसॉफ्ट के आ रहे हैं मैं बात एक आपसे आखिरी बात ये मैं चाहूंगा कि ये कहा क्यों हो रहा है कल मेरे एक दोस्त में जब बैठा था वहां पे न्यू डेली के अंदर तो मैं इस बात मैंने कहा नगर के अंदर ये मैंने खबर ये सुनी थी कि भारत को प्रमोट कर रहा है कि कि फॉरेन डेस्टिनेशन वेडिंग ना की जाए उन्होंने कहा ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने सख्त एक्शन लिया है क्योंकि करोड़ों रुपए से लोग क्योंकि लोगों पास पैसा है लोग करोड़ों के हिसाब से पैसा ले जाकर फॉरन डेस्टिनेशन पर वेडिंग करते थे पैसा बाहर जा रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया है इन लोगों के पास देखो पैसा ये कहा से आया और बाहर कितना जा रहा है लोग डर गए फिर मोदी साहब ने आपको पता है वो आइलैंड को प्रमोट किया खुद जाकर स्कूबा डाइविंग करते रहे तो उसकी वजह से उन्होंने ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि भारत के अंदर ही डेस्टिनेशन देस्टिने, वेडिंग हो ताज वालों के बड़े बड़े अच्छे पैकेज हैं ताज होटल वालों के के वेडिंग तो उन्होंने इन चीजों को रोकने की कोशिश करते हैं करेंसी बाहर ना ये चीजें नेशनलिज्म से आती है दूसरा मैं आपको बल्कि एक तस्वीर भेजूंगा मैं मुझे यहाँ बाहर ढाबों से चाय पीने का बहुत मुझे अच्छा लगता है मैं कनाड प्लेस के पास गया चाय ढूंढता वो छोटे सी मुझे बड़ी मजेदार लगती गाड़े वाली चाय दो तस्वीरें आपको भेजूंगा मैं चाहूंगा आप शेयर करें जरूर कि एक वहां पे एक बच्चा दो तीन ईंटे रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था लाइन लगी हुई थी लोग ले रहे थे चाय उसकी बहुत मजेदार थी लेकिन साथ यूपीआई का साइन पड़ा ये फोन के जरिए पेमेंट रिसीव कर करना था। उसकी भी दुकान भी, है। भी नहीं बेच रहेगी ठेला भी नहीं है ईंटों के ऊपर रख के बैठा है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फिर उसके बाद मैं घूमता रहा पे कलट प्लेस पे छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट ये क्या वजह है कि सौ मील के फासले पे कौम की सोच अलग है मैं देख रहा हूं मेट्रो मैं मैं में गया हूं एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट सेट से, आ, आ, होता है सातवीं दफा वो क्लियनर सिटी आया कैसे आया है मैंने उसमें देखा रिसर्च ये, ये चीजें आती मेरे ऊपर लगाता है कोई राह का लगाता है खुदा का नाम लो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में मेरा कोई मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज क्योंकि ये सब कांटे मेरे भाई हैं ये मैं खुश हूं पाकिस्तान के लिए दुआ हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख लें तो मुझे तो पहले तुम लोगों ने निकाल दिया था अमेरिका में बैठो मेरा आपके साथ क्या रिलेशनशिप मुझे मेरा क्या है आप आपको जो लूट के लेके जा रहे हैं टोरंटो लंदन वो आज के थोड़ी कर रहे हैं मैं तो आपके आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं अगर पॉसिबल है अपने आसपास से देखो और इनसे नहीं सीखते बंगाली भाइयों से सीख लो यार

Uh, मैं वो दो तस्वीरें जरूर भेजूंगा शेयर कीजिएगा कि बच्चा के ऊपर रख के चाय बेच रहा है प्लेस के उपर, और ये साथ ही सर प्रयागराज इलाहाबाद पहले कहलाता था था, मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप वहां जाएं तो आप उनसे जरूर मिलें तो कुछ लोगों के बहुत धनबाद हूं बहुत मशकूर हूँ मैंने बताया कि बहुत ज्यादा कर्जा लेके भारत से जा रहा हूँ मेरी हर एक दिली दुआ है की आप तरक्की में रहें खुश रहें चमकते रहे पाकिस्तान भारत बांग्लादेश नेपाल इस सारे रीजन पे क्योंकि ये मेरा सारा घर है हम सारे एक माँ के बच्चे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही मुझे भी ऐसे ही लगता है जैसे मेरा दूसरा घर जो वो भारत है और बहुत प्यार मिलता है और उसके लिए मैं भी बहुत शुक्रगुजार हूँ थैंक यू सो मच सर क्या जैसा कि हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे जो आरजू काजमी और साजिद तार ने डिबेट में बातें करी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया साजिद तार ने बताया कि वो हाल ही के दिनों में चंडीगढ़ भी गए थे जहाँ की डेवलपमेंट देखकर वे वह बहुत ही खुश और हैरान भी हुए वहाँ पर वो सेक्टर सत्रह भी गए थे फिर फिर उन्होंने बताया कि भारत में दुनिया के सबसे बड़े और पावरफुल लोग भी आ रखे हैं जो कि जो अंबानी फैमिली की जो मैरिज फंक्शन है उसको अटेंड करने के लिए पहुंचे हुए हैं फिर उन्होंने बताया कि कैसे जो भारत की जीडीपी का न्यू डाटा भी आ चुका है और वह बहुत ही सरप्राइज करने वाला है क्योंकि पूरी दुनिया जो भारत की जी डी से सात की ग्रोथ सोच रही थी वहाँ पर भारत आठ से भी ज्यादा परसेंट एट से ग्रोथ कर रहा है फिर उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो यूपी में डेवलपमेंट हो रही है उन्हें पता लगा था कि हाल ही के दिनों में वहाँ पर छह नए एयरपोर्ट भी बने हैं जिन्हें देखकर कर वह बहुत ही हैरान हुए क्योंकि पाकिस्तान में जो एयरपोर्ट है वो भी अब बंद होने के कगार पर पहुँच चुके हैं साथ ही में उन्होंने आजों काजमी से डिबेट के दौरान बातें करी और उन्होंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि कैसे जो लोग हैं उनसे मिलने आ रहे हैं सेल्फी खिंचवा रहे हैं और इतना प्यार देखकर वह बहुत ही खुश हो रहे हैं इतना प्यार पाके वह बहुत ही खुश हुए और साथ ही में उन्होंने यह भी बताया कि जो पाकिस्तान की हालत है वो और बिगड़ती जा रही है वहाँ की जो ग्रोथ है वो दो परसेंट से भी कम है जबकि भारत है जो वो आठ पॉइंट फोर एट पॉइंट फोर परसेंट से ग्रोथ कर रहा है तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप हाँ तक पहुंच सके साथ ही में अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दें और ऐसे ही साझेदार तार और आज खाजमी की डिबेट देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर तो दोस्तों जैसा कि आपको पता ही होगा कि साझेदार इंडिया टूर पर आए हुए हैं और वो भारत के डिफरेंट डिफरेंट सिटी में घूम रहे हैं तो वो हाल ही के दिनों में अभी चंडीगढ़ गए थे जहाँ पर उन्होंने बताया कि कैसे जो चंडीगढ़ है वो इस्लामाबाद इस्लामाबाद जो उनकी कैपिटल है पाकिस्तान की वहाँ से मिलता जुलता है जो कि एक प्लान सिटी है और बहुत ही सुंदर बताया उसको और मेंटेन कर रखा है और उसकी हिस्ट्री हिस्ट्री के बारे में भी बताया चंडीगढ़ से बहुत ही महान लोग जुड़े हुए हैं जैसे कि कपिल देव है अपने मिल्खा सिंह हुए तो उन्होंने इनके बारे में भी जिक्र किया साथ ही में जो अभी जो न्यू डाटा आया है जीडीपी का उसके बारे में भी उन्होंने बातें करी और आरजू काजमी के बारे में भी उन्होंने बताया कि कैसे जो लोग हैं वो उनसे भी मिलना चाहते हैं और अभी हाल ही के दिनों में वो यूपी भी जा रहे हैं जहाँ पर आरजू काजमी ने उन्होंने प्रयागराज भी जाएंगे जो कि आरजू काजमी का